हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं अचारी भिंडी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको हम रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 300 ग्राम भिंडी, जिसे मैंने धो के पोंछा है और इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है एक बड़ा प्याज, जिसको हमें लंबा लंबा इस तरह से काटना है कि ये ना तो बहुत बारीक हो और ना ही बहुत मोटा। मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून मोटी सौंफ, चुटकी भर कलौंजी और 2 रेड चिली। इसके अलावा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली, नमक टेस्ट के हिसाब से और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल काफी गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें हींग डाल दी है, सूखी मिर्ची डाल दी है और अब मैं सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना भी डाल रही हूँ। इसे हम हल्का सा स्टर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। हमें इन्हें ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। प्याज को हमें 3-4 मिनट तक स्टर फ्राई करना है। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसे से ट्रांसल्यूसेंट रखना है। हमारा प्याज अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब ये देखिए, प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ मैं डाल रही हूँ भिंडी। भिंडी को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं अभी कोई भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ भिंडी को फ्राई करेंगे। अगर मैं अभी यह मसाले ऐड कर दूंगी तो भिंडी लेस छोड़ देगी, इसलिए हमें भिंडी को इसी तरह से 2-3 मिनट तक फ्राई करना है। भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, ये देखिए। भिंडी के साथ साथ हमारी प्याज भी फ्राई हो रही है। अगर हम प्याज को उसी समय अच्छे से फ्राई कर लेते तो वो जल जाती। यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं सारे मसाले। मसालों को मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले भिंडी पे कोट हो जाए। धीरे से चलाते हुए हम भिंडी को और मसालों को मिक्स करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। यहां मैं भिंडी को 1 मिनट के लिए ढक दूंगी। भिंडी को हमें ज्यादा देर तक ढक के नहीं पकाना है, नहीं तो वो उसका कलर चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी। इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में इसी तरह से चलाएंगे और बीच में थोड़ा थोड़ा ढक के ही पकाते हैं। भिंडी बहुत ही जल्दी बन जाती है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा देर तक ढक के पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो भिंडी एकदम हरी हरी बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी। ढकने की वजह से भिंडी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कलर भी। ये देखिए, मैंने फिर से इसे ढक दिया है। ये देखिए, भिंडी हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अमचूर पाउडर। इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
लेकिन इसे ऐड करने से टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है। अचारी भिंडी बनके एकदम रेडी है और ये बहुत टेस्टी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।